बॉटम एडवर्टीजमेंट। बॉटम एडवर्टीजमेंट में हमें दो मिनी टैब्स और भी दिए गए हैं, जिसमें पहला है बॉटम एडवर्टीजमेंट लिस्ट एंड सेकंड है बॉटम एडवर्टीजमेंट शेड्यूलिंग ग्रुप्स। सबसे पहले हम बॉटम एडवर्टीजमेंट्स में कुछ एडवर्टीजमेंट्स को ऐड कराते हैं। जिस एडवर्टीजमेंट को हमें ब्राउज करना होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। अभी हमने कुछ एडवर्टीजमेंट्स को सेलेक्ट किया और ऐड सेलेक्ट पर हमने क्लिक किया। ऐड सेलेक्ट पर क्लिक करते ही सारे एडवर्टीजमेंट्स हमारे सामने हमारी बॉटम एडवर्टीजमेंट के लिस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने रन, नेम, ड्यूरेशन, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होकर आपके वन मंथ ड्यूरेशन पर आ जाते हैं। यदि आप इसका स्टार्ट डेट या एंड डेट एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली एंड डेट या स्टार्ट डेट पर क्लिक कर उसके टाइमिंग्स को कैलेंडर कंट्रोल का यूज़ कर सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसके एंड डेट को एडिट किया और सेव किया। अभी आपके सारे एडवर्टीजमेंट्स ऑफ मोड में हैं। यदि आप इनको ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहले इनका ऑन होना ज़रूरी है। यहाँ पर आप पर्टिकुलर हर एडवर्टीजमेंट के आगे क्लिक कर इसको ऑन कर सकते हैं या आप सिंपली रन बटन पर क्लिक कर सभी को चेक कर रन कर सकते हैं। अभी हमने इसको सेव किया। सेव करते ही आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर बॉटम एडवर्टीजमेंट चलने स्टार्ट हो गए हैं और इसमें हर एक एडवर्टीजमेंट का डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन 60 सेकंड आया है। यदि आप इस ड्यूरेशन को एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करें एंड इसके ड्यूरेशन को आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर सभी एडवर्टाइजमेंट के टाइमिंग को सेट किया। जो भी ड्यूरेशन आप एक एडवर्टीजमेंट को देकर सेट करना चाहते हैं वह आप कर सकते हैं। आपके बॉटम एडवर्टीजमेंट का मास्टर स्विच आपके सामने सबसे ऊपर दिया गया है। यदि आप बॉटम एडवर्टीजमेंट को इंस्टेंटली ऑफ करना चाहते हैं तो आप बॉटम एडवर्टीजमेंट के मास्टर बटन को ऑफ कर बॉटम एडवर्टीजमेंट को ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही आप बॉटम एडवर्टीजमेंट को ऑफ करते हैं आपकी स्क्रीन से बॉटम एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाते हैं। यदि आप इसे ऑन करते हैं तो जिस मोड में आपके बॉटम एडवर्टीजमेंट हैं वह मोड आपके सामने स्विच ऑन होकर अपने बॉटम एडवर्टीजमेंट को शो कर देता है। बॉटम एडवर्टीजमेंट्स को शो करने के लिए आपको दो मोड दिए गए हैं। एक मोड आपको दिया गया है सिंपल एडवर्टीजमेंट्स का लूप मोड, यानी आपका हर एडवर्टीजमेंट अपने ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली चलेगा और उसके बाद सबसे लास्ट वाला खत्म होकर वापस सबसे पहले वाले को प्ले कर देगा, यानी लूप मोड में प्ले करेगा। इसके अलावा आपको एक और बॉटम एडवर्टीजमेंट मेथड दिया गया है जिसको आप सेटिंग्स में जाकर ऑन कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर बॉटम एडवर्टीजमेंट बाय ग्रुप शेड्यूलिंग को ऑन किया। जैसे ही आप बॉटम एडवर्टीजमेंट बाय ग्रुप शेड्यूलिंग को ऑन करते हैं आपके एडवर्टीजमेंट बॉटम एडवर्टीजमेंट ग्रुप शेड्यूलिंग के हिसाब से सेट हो जाते हैं चलने के लिए। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि आपके बॉटम एडवर्टीजमेंट बाय ग्रुप शेड्यूलिंग को ऑन करते ही आपके सामने एडवर्टीजमेंट सारे गायब हो गए। इस वक्त आपका बॉटम एडवर्टीजमेंट कोई भी एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए आप बॉटम एडवर्टीजमेंट पर जाते हैं। आपकी एडवर्टीजमेंट लिस्ट में एडवर्टीजमेंट्स को आप अपने ग्रुप्स में डालकर चला सकते हैं। सबसे पहले हमने एक ग्रुप को क्रिएट किया बॉटम एडवर्टीजमेंट ग्रुप वन बनाया और अब हमने इसको सेव किया। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं हमारे सामने सबसे पहले एक रन स्विच आता है, जिसका मतलब यह है कि यदि आप इस बॉटम एडवर्टीजमेंट के ग्रुप का मास्टर ऑफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास स्टार्ट टाइम व एंड टाइम आ जाता है ग्रुप का। यहां पर हमने अपने बॉटम एडवर्टीजमेंट के ग्रुप को एंड टाइम 7 PM पर सेट किया और सेव किया। अब आप देखेंगे कि आपके सामने ड्यूरेशन रिफ्लेक्ट होकर 19 आवर्स आ जाती है और नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट जीरो हैं। यानी इस ग्रुप में यदि आपको एडवर्टीजमेंट डालने हैं तो आपको सबसे पहले एडिट पर क्लिक करना होगा और आपकी अपनी बॉटम एडवर्टीजमेंट लिस्ट से बॉटम एडवर्टीजमेंट्स को इसमें राइट से लेफ्ट के लिए शिफ्ट करना होगा। जो भी एडवर्टीजमेंट आप अपने राइट से लेफ्ट के लिए शिफ्ट करते हैं वह ही आपके इस ग्रुप में एक्टिव होते हैं। अब आपके सामने यह ग्रुप चलने के लिए रेडी हो गया है, यानी आपका बॉटम ग्रुप नंबर 1 12 AM से 7 PM तक के लिए एक्टिव है। और अब हम इस बॉटम एडवर्टीजमेंट को ग्रुप को एक बारी ऑफ कर ऑन करते हैं तो अब आप देखेंगे कि आपके इस बॉटम एडवर्टीजमेंट ग्रुप के अंदर जो भी एडवर्टीजमेंट हैं वह टाइम वाइज चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आपके बॉटम एडवर्टीजमेंट टाइम वाइज चल रहे हैं। यदि आप इनको इंस्टेंटली स्विच करना चाहते हैं लूप मोड में तो आप वापस सेटिंग में जाएंगे और अपने बॉटम एडवर्टीजमेंट के ग्रुप शेड्यूलिंग को ऑफ करेंगे और सेव करेंगे तो आपके बॉटम एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली लूप मोड में स्विच हो जाते हैं। यानी आपके एडवर्टीजमेंट इस वक्त आपके लूप मोड के अनुसार चलेंगे जो भी आपके लिस्ट में है। यदि आप अपने बॉटम एडवर्टीजमेंट्स की लिस्ट में किसी एडवर्टीजमेंट को ऑफ कर देते हैं
तो वह एडवर्टीजमेंट एक्टिव नहीं होगा और हर बॉटम एडवर्टीजमेंट अपने स्टार्ट डेट व एंड डेट के अकॉर्डिंग ही चलेगा।